हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने छोटे बच्चों को शेप्स के बारे में बता सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे कि उन्हें समझ में भी आए और वो उसे कभी भी ना भूलें। पर वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज वीडियो को जरूर पूरा देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे मेरा चैनल भी ग्रो होगा और मुझे इससे काफी मोटिवेशन मिलता है, और मैं आप सभी के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज बनाती रहूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम अपने बच्चों को शेप्स के बारे में बताते हैं तो हमें सबसे पहले उन्हें घर की चीजों को इंट्रोड्यूस करना होगा कि जो भी घर में चीजें अवेलेबल हैं वो किस शेप में है, क्योंकि जब हम घर की चीजों से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो उसे बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे और हमेशा उस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि वह चीजें उनके आंख के सामने हमेशा रहेंगी। तो जब भी आप उन्हें शेप्स के बारे में बताते हैं तो उन्हें घर की चीजों से ही इंट्रोड्यूस करवाइए। और दूसरा तरीका है वर्कशीट का। वर्कशीट की हेल्प से भी हम अपने बच्चों को शेप्स के बारे में बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वह वर्कशीट हमारी कैसी होनी चाहिए। हमारी वर्कशीट सबसे पहले घर की चीजों से ही होनी चाहिए, जैसे कि इस तरीके से। यहाँ पर मैंने बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हैं जो कि इजीली हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। उसकी हेल्प से हम अपने बच्चों को शेप्स के बारे में नॉलेज आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सर्कल शेप बनाया है, और सर्कल शेप में कौन सी चीजें आती हैं अब बच्चों को फाइंड आउट करना है। सर्कल शेप में यहाँ पर मैंने व्हील बनाया है, तो बच्चे सर्कल को व्हील के साथ मैच करेंगे। उसके बाद स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप में लूडो है। लूडो बच्चे हमेशा खेलना पसंद करते हैं, तो लूडो भी हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो हम लूडो को स्क्वायर शेप से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल में एक्समस ट्री। रेक्टेंगल में हैंड क्लच, हैंड क्लच भी हम सभी के पास होता है घर में, तो हम हैंड क्लच से भी बच्चों को बता सकते हैं कि ये रेक्टेंगल शेप में है। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल शेप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद ओवल शेप, घर में मिरर्स ज्यादा करके ओवल शेप में होते हैं, तो मिरर की हेल्प से हम बच्चों को ओवल शेप के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम बच्चों के शेप्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से उसे समझ सकेंगे और उसे बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो जब भी हम शेप्स बच्चों को समझाएं तो हम उन्हें घर की चीजों से ही शुरू करें। आइए देखते हैं कि दूसरा कौन सा तरीका होना चाहिए। हमारा दूसरा तरीका होगा मैचिंग एक्टिविटी के थ्रू। मैचिंग एक्टिविटी जब हम अपने बच्चों को करवाएंगे तो उसके लिए हमें वो सारे शेप्स बनाकर ड्रॉ करने हैं जो उस वक्त हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। शेप्स ड्रॉ करने के बाद हमें इस तरीके का फ्लैश कार्ड बनाना है जिस पर वही शेप्स हमें ड्रॉ करके रखने हैं। अब बच्चों से हमें कहना है कि आप शेप्स को पहचानो और उसके साथ करेक्ट फ्लैश कार्ड मैच करो। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर शेप है, अब बच्चे को फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर शेप कौन सा है। तो जब तक बच्चे को पिक्चर्स क्लियर नहीं होंगे तब तक वह शेप्स नहीं निकाल पाएगा। तो इसीलिए हमें मैचिंग एक्टिविटी के थ्रू भी अपने बच्चों को शेप्स जरूर बताना चाहिए। जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, तो बच्चा स्क्वायर के साथ मैच करेगा। देन सर्कल, तो फाइंड आउट करेगा सर्कल शेप, दिस वन, सर्कल के साथ मैच करेगा। उसके बाद ट्राइंगल, तो ट्राइंगल वो फाइंड आउट करेगा लाइक दिस। तो इस तरीके से हम अपना दूसरा स्टेप अपना सकते हैं जब भी हम बच्चों को शेप्स सिखाएं। आइए देखते हैं कि हमारा थर्ड स्टेप किस तरीके का होना चाहिए। हमारा थर्ड स्टेप इस तरीके का होगा। हमें क्या करना है, हमें सारे शेप्स ड्रॉ करने हैं और अपने बच्चों से कहना है शेप्स को पहचानो और उसे काउंटिंग करके यहाँ पर लिखो। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाया है, अब बच्चों को इसमें फाइंड आउट करना है कि कितने स्क्वायर्स हैं, और वह स्क्वायर को काउंट करके यहाँ पर लिखेगा। उसके बाद ट्राइंगल, ट्राइंगल को काउंट करेंगे और यहाँ लिखेंगे। देन सर्कल, सर्कल जितने भी हैं उसे काउंटिंग करके यहाँ लिखेंगे, और रेक्टेंगल को भी काउंटिंग करके लिखेंगे। तो हमारा थर्ड स्टेप इस तरीके का होना चाहिए, इससे उन्हें शेप्स काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि हमारा फोर्थ स्टेप कौन सा होना चाहिए। हमारा फोर्थ स्टेप होगा इस तरह का।
हमें क्या करना है, हमें शेप्स की हेल्प से पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं और बच्चों को उसे काउंटिंग करने के लिए देना है। इस एक्टिविटी से वो शेप्स सीखने के साथ साथ उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत इम्प्रूव होगा। तो आप यह तरीका जरूर अपनाइए। इसमें जैसे कि मैंने शेप्स की हेल्प से मंदिर बनाया है, टेम्पल बनाया है, अब बच्चों को फाइंड आउट करना है कि ट्राइंगल शेप इसमें कितना है। जैसे कि यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। सर्कल, सर्कल कितना है 1, तो यहाँ पर भी 1। स्क्वायर कितना है 1, 2 और एक ये स्क्वायर भी है तो टोटल 3 स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। नाउ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप्स कितने हैं 1, 2, 3 तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। देन आफ्टर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल अब उन्हें काउंट करना है 1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यह एक्टिविटी भी हमें अपने बच्चों को जरूर करवानी चाहिए क्योंकि इससे उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा और वो शेप्स भी सीख जाएंगे। तो यह तरीका आप जरूर अपनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।